सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी को देखोगे आप जो भी आज फिर से हमें प्रीवियस क्लोजिंग पर क्लोज होते हुए नजर आए हैं 7.95 रुपये के भाव पर। और स्टॉक आपको आज 8 रुपये के ऊपर भी निकलते नजर आया, थोड़ी बहुत स्टॉक में करेक्शन भी आई थी। बट यहाँ पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मेन सवाल यही है कि स्टॉक में आखिरकार तेजी कब बनेगी, कब ये शेयर जो है 200 रुपये के आसपास जाएगा, कब स्टॉक अपने बाउंड्री हाई तक जाएगा, तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देखोगे अभी पीछे से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिला क्वार्टर फोर का, यानी कि मार्च क्वार्टर का, वो थोड़ा निराशाजनक रहा है। क्योंकि FFIs ने, आप देखोगे FI ने अपना मार्क काटा, DIIs ने भी, और इन सब के साथ साथ आप देखोगे जो प्रमोटर हैं वो भी यहाँ पर अपने जो स्टेक है वो अपने जो है अनप्लेज नहीं करवा पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है जो सुजलोन एनर्जी है इसके अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं और हमें शेयर के अंदर क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक के अंदर पैसा लगाना सही है या फिर शेयर यहाँ से और ज़्यादा हमें करेक्शन दिखा सकते हैं। RSI MFI की बात करें तो आप देखोगे 46 पर RSI और MFI 49 पर, दोनों मिड रेंज में काफ़ी अच्छी रेंज में स्टॉक है। आप देखोगे 1 मंथ में 5% के रिटर्न दिए हैं, बट 3 मंथ में नेगेटिव है, 6 मंथ में भी और 1 साल में भी। तो स्टॉक आप देखोगे इवन ऊपर के लेवल से टूटा ही टूटा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी प्रीवियस क्वार्टर में वो सेम रही है, बट 80.77% जो होल्डिंग है वो प्लेज है। इन सब के साथ साथ आप देखोगे जो FI है इन्होंने अपना जो स्टेक है प्रीवियस क्वार्टर से डिक्रीज किया है 0.01% के आसपास, और म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर अपना जो स्टेक है वो डिक्रीज करते नजर आए हैं। तो ये थोड़ा निराशाजनक डाटा देखने को मिला है, बट इसका थोड़ा सा भी इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिला, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर नहीं आया इन सब चीज़ों का। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसके कल के लेवल्स क्या रहेंगे, उससे पहले आज का जो डाटा है वो कैसा है। वैसे भी न्यूज़ कोई आई नहीं है, 20 तारीख को जो है ये नोटिस जारी किया गया था। तो चलो अब देखते हैं इसके कल के लेवल्स। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक जो प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 7.95 ओपन हुआ 8 रुपये पर, हाई लगाया 8.10 का। उसके बाद जो लो रहा है स्टॉक ने 7.90 रुपये का लो भी लगाया है। तो स्टॉक के अंदर आप देखोगे तेजी बनी थी, बट वो तेजी सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे स्टॉक में गिरावट, बट कल के लिए काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है बाइंग के लिए 50,000 क्वान्टिटी का, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी बाय एक ऑर्डर लगा है, एक AMO वो भी 50,000 क्वान्टिटी का, काफ़ी अच्छी बात है। वहीं आप देखोगे डिलीवरी की बात करें तो जो डिलीवरी वो 30% उठाई गई है। ट्रेडेड क्वांटिटी आप देखोगे तकरीबन 3 करोड़ 16 लाख के आसपास, वहीं अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 95,44,190 के आसपास हमें देखने को मिला है। तो ये इसका आप देखोगे डिलीवरी पोजीशन रहे, जो कि भाई देखो डिलीवरी थोड़ी कम उठी है, बट एक बाइंग ऑर्डर है, इसका मतलब स्टॉक आपको या तो सस्टेन करते नजर आएगा या स्टॉक में तेजी बढ़ेगी। तो चलिए भाई नीचे में स्टॉप लॉस हमें क्या लेके चलना है करंट लेवल के ऊपर, क्योंकि आप देखोगे पीछे स्टॉक जो अभी 6 रुपये के भाव तक आ गया था, 6.5 के भाव तक, वहाँ से स्टॉक में तेजी बनना स्टॉक और ऊपर में आप देखोगे 8 रुपये के आसपास स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, चलिए वो देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक हमें जो है स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड के नीचे में देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल स्टॉक में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ऐसे में आप देखोगे एक ट्रायंगल पैटर्न में स्टॉक हमें लास्ट में आकर देखने को मिला, फंसा हुआ है। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि भाई यहाँ पर ये जो मेन चीज़ है इस लेवल के ऊपर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे में 7.85 का सपोर्ट है भाई, ठीक है, 7.90 तक स्टॉक नीचे में आया है, बट 7.85 का सपोर्ट है, स्ट्रांगली सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर में रहता है तो स्टॉक में तेजी आने के चांसेज रहेंगे, और यहां से अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है इस लेवल को अगर ऊपर में तोड़ेगा तो स्टॉक में शानदार तेजी बनेगी, क्योंकि क्वार्टर फोर के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो यहाँ से एक बेस्ट मूवमेंट्स हो सकते हैं। स्टॉक आपको एक अच्छी रेंज में देखने को मिल रहा है, 7.90 रुपये के आसपास है। अगर यहाँ से आप स्टॉक उठाना चाहो तो 7.85 का स्टॉप लॉस लेकर इसके अंदर बने रह सकते हो। तो 7.85 का जो सपोर्ट है, यानी कि 7.85 का जो लेवल है, इसको नीचे में काटे चाहे 5 पैसे क्यों ना नीचे जाए भी, हम स्टॉक को सेल करेंगे, हम स्टॉक को नहीं रखना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर फोर के बाद ही इस शेयर को खरीदना है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर क्वार्टर फोर अच्छे आए तो हम शॉर्ट टर्म के लिए चलेंगे, और लॉन्ग टर्म वाले देखो भाई स्टॉक को जैसा वैसा लगाकर भूल जाइए। 10-15 हज़ार जितने भी आपको लगाने हैं और अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 10-15% ही आपको जो भी यूज करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और यहाँ पर वो एज ए लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग में चल सकता है। उन्हें देखो भी बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के व्यू से पैसा लगाया है। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर मुनाफा बनाना चाहते हैं
हमें 785 का एसएल लेना है। अगर यहाँ से 785 का एसएल कटे तो स्टॉक को आप भी काटिए, और यहाँ से अगर ऊपर के लेवल अगर बात करें स्टॉक के टारगेट्स की तो 895 के यानी तकरीबन 900 रुपये के लेवल स्टॉक के बन रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ 5-10 पैसे का रहेगा नीचे में, और ऊपर में जो प्रॉफिट है वो आप देखोगे 1 रुपये के आसपास का। तो स्टॉक में भाई आपको ये जो रिस्क और रिवार्ड का रिश्व है वो आपको फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई देखो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।